हेलो नमस्ते, जय जिसु, जय मसीह, यीशु सा है। सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है एक नया चीज जो वेस्ट मटेरियल से नया कुछ देखिए, वेस्ट मटेरियल से जो ब्रश से, वेस्ट ब्रश और पुराने जूड़ी और सुतली से एक नया हेलो स्टार्ट करेंगे। अभी बनाने के लिए तो सुतली को ब्रश में अच्छी तरह से फेविकल चिपका के लगाएंगे। तीन ब्रश लगेगा। तीनों ब्रश में अच्छी तरह से फेविकल लगा के उसको चिपकाएंगे। उसके बाद सुखाएंगे, थोड़ा सूख जाएगा, जल्दी नहीं सूखता है। लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सूखने के बाद और चूड़ी को भी, चूड़ी में सभी तरफ उसको राउंड करके सुतली को लगाएंगे। उसके बाद वो सूखने को छोड़ देंगे। ये ब्रश को जो फेंक देते हैं, हमारा जो परिवेश, जो एनवायरनमेंट है, वो गंदा हो जाता है। ये वेस्ट मटेरियल से हम लोग कुछ बना सकते हैं, तो घर का डेकोरेट भी हो जाएगा और हमारा जो परिवेश है वो साफ़ सुथरा भी होगा और हमारा कम से कम खर्चा होगा। कुछ सेविंग करके हम घर का डेकोरेट खुद कुछ बना के कर सकते हैं। इसलिए हम खुद बनाने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे ही पुराने सामान से कुछ बना सकते हैं, कोशिश करने से होगा। और यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, उसको देख के भी हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए, चूड़ी भी रेडी हो गया है। उसके बाद ये भी तीनों सूख गया है। उसके बाद दोनों जोड़ दी हैं। उसके बाद नीचे का जोड़ेंगे। अभी फेविकल से दोनों साइड जोड़ेंगे। वो जुड़े हुए जो लगाए हुए ब्रश है उसको उल्टा के तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के टाइम अच्छी तरह से लगाएंगे, जैसे नहीं खुलेगा, अच्छी तरह से सुखाएंगे उसको। मेरा थोड़ा नहीं लग रहा था उसके, इसलिए वो फेविक्विक लाए थे, वो फेविक्विक को थोड़ा लगा रही हूँ लगेगा बोल के। फेविक्विक लगाने से, और वो फेविगम बोलते हैं उसको लगाने से जल्दी लगता है। उसके बाद थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे उसको। और चूड़ी को वो नीडिल के साथ जो सूत्रा वो लगाई हूँ उसके, उससे ऊपर लगा के, उसे ऊपर लगा के वो जो तीनों को जुड़े हैं उसके ऊपर लगाएंगे। और नापेंगे, थोड़ा नीचे से थोड़ा छोड़ेंगे उसको। चूड़ी को अच्छे तरह से और नीडिल के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद ऊपर में लगाएंगे जैसे नहीं टूटेगा, अच्छी तरह से लगाएंगे और नापेंगे उसको। देखेंगे नाप के कि नीचे से थोड़ा छोड़ेंगे और ऊपर झुलाने के लिए मोती लगाएंगे, अच्छे दिखेगा। अपने अपने हिसाब से जो भी चॉइस है अपना, खरीद के वो वाला लगा सकते हैं, जो भी लगेगा, बड़ा छोटा डिजाइन वाला, जैसे भी आपके चॉइस का मोती या जो भी ऊपर थोड़ा नीचे होगा, हैंगिंग होगा बोल के लगा सकते हैं उसको। मैं लगा रही हूँ अभी मोती उसको। अभी नापेंगे ठीक हुआ है कि नहीं। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नीचे चला जाएगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो नीचे से थोड़ी सी छोड़ना चाहिए। मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, दो मोती ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जोड़ रही हूँ, दो मोती ज़्यादा हो गया तो उसको निकाल दूँगी और एक मोती और दूसरा बड़ा वाला मोती लगाऊँगी। यहाँ पर लगा के ऊपर से ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऊपर से सिला के जोड़ेंगे। देखेंगे और ऊपर हैंगिंग करने के लिए एक वही सुतली का थ्रेड लगा देंगे, उसको चिपका देंगे या नीडल से उसको सिलाएंगे।
उसके बाद जो मिरर है मेरे पास, आप जो भी लगा सकते हैं उसको डिजाइन करने के लिए, ऊपर में डेकोरेट करने के लिए जो आपके पास जो है उसको लगा सकते हैं, उसको जैसे भी आपके इच्छा अनुसार, आपके चॉइस अनुसार उसको डेकोरेट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। कुत्ता सब भूख रहे हैं, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा तो सॉरी। और आप जैसे चाहते हैं, जैसे आपके चॉइस है वैसे ही आप डिजाइन कर सकते हैं। और उसके बीच में एक छोटा सा टॉय वाला चिड़िया लगेगा, वो चिड़िया दूसरे हैंगिंग में लगा दी हूँ। ये वाला भी सूखने के लिए छोड़ दूँगी, देखेंगे जो पहले से बनाए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये वाला अभी डेकोरेट करके लगा के छोड़ दी हूँ, और ठीक है देखिए ऐसे दिखेगा, इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये वाला चाय छलनी से बनाई हूँ, ये वाला मैं पहले बनाई थी और वो वाला सूखने के लिए छोड़ दी हूँ, अभी थोड़ा लगेगा लेट। तो ऐसे दिखता है वॉल हैंगिंग, तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और सबको थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।